एक्सपेरिमेंटल ब्रेन्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के साथ सबसे कमाल की स्विंग्स और झूलों और स्पोर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर शायद ही कोई इंसान चढ़ना चाहेगा। इस टॉपिक पर पहले भी मेरे चैनल पर एक वीडियो बन चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखना। और ये वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। इसे ज़रा सब स्किप ना करते हुए लास्ट तक ज़रूर देखना और फिर आप भी कहेंगे ओह माय गॉड, वाओ। नंबर 7 गाइज, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 कमाल के स्पोर्ट्स के बारे में बताया था, जहां पर इस दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर किंगडा का था। लेकिन इस टाइम बात उसकी नहीं हो रही है, इस टाइम बात हो रही है जुमनजारो ड्रॉप ऑफ डूम। इस दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप टावर्स में से एक है जुमनजारो ड्रॉप ऑफ डूम, जो कि बिल्कुल इस दुनिया के सबसे ऊंचे रोलर कोस्टर किंगडा का के एकदम साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी वहीं जर्सी सिक्स फ्लैग्स ग्रेट एडवेंचर थीम पार्क के अंदर है। जुमनजारो ड्रॉप ऑफ डूम, जैसे कि इसके नाम में ही ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप का मतलब है गिराना, यानी ये आपको 350 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई तक ले जाकर आपको सीधा नीचे गिरा देता है। लेकिन ये आपको सीधा नीचे नहीं गिराता है, बल्कि जमीन के पास आकर अचानक से रुक जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डराने वाला होता है। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो फिर यहाँ पर एक टाइम पर बहुत लोगों को बिठा लिया जाता है। आपको यहाँ पर बिठाया जाएगा और 415 फीट की ऊंचाई तक जाने के बाद आपको सीधा नीचे गिरा दिया जाता है, वो भी 90 मील प्रति घंटे यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की रफ्तार से। जब आप गिरने से पहले एकदम ऊपर जाते हो तो आप यहाँ के शहर को दूर दूर तक, कई मील दूर तक आसानी से देख पाते हो। नंबर छः पर है ये झूला। सबसे पहले इस झूले को देखो और मुझे बताओ इसमें खास क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये झूला टूरिस्ट को कितने तेज़ रफ्तार से गोल गोल घुमा रहा है, जो कि किसी को भी चक्कर दिलाने के लिए काफ़ी है। और इस झूले का नाम है ला बोला लोका और ये एक्वाडोर के अंदर बना है। ये है वो एक्वाडोर के अंदर बना हुआ ला बोला लोका झूला। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर एक टाइम पर 2 से 3 लोगों को ही बिठाया जा सकता है। आपको यहाँ पर बिठाने के बाद गेट बंद कर दिया जाएगा और फिर इतनी ऊंची पहाड़ी से सीधा नीचे रोल कर दिया जाता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से। और ये झूला सिर्फ रस्सियों के सहारे से लटकता रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। उसी से मिलता जुलता एक और झूला देखिए, यह आपको कई थीम पार्क्स में देखने को मिल जाएगा। इसका नाम है रिवर्स बंगी और इसे स्लिंगशॉट स्विंग के नाम से जाना जाता है। स्लिंगशॉट इसलिए क्योंकि अचानक से आपको स्लिंगशॉट की तरह आसमान में उड़ा दिया जाता है, वो भी 200 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई तक, और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। ये स्प्रिंग से बनी हुई लंबी लंबी तारों के सहारे आसमान में उड़ता है। इसे देखने पर ये लगता है कि ये कभी भी टूटकर नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूट सकता क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी और सुपरविज़न में चलाया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो झूला आप देखने वाले हैं, ये मिस्र के एक पार्क का बहुत ही ज़्यादा डरावना झूला है। ये इंडिया के मिस्र के अंदर एक थीम पार्क के अंदर है और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है, क्योंकि आपको अचानक से आसमान के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है और फिर गोल गोल और गोल ही घुमाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चक्कर देने वाला है। काफ़ी ऊंचाई तक जाने के बाद आपको रस्सियों के सहारे लटका दिया जाता है और गोल गोल घुमाया जाता है, जो कि किसी को भी काफ़ी सारे चक्कर देने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर अगर कोई चढ़ जाए तो फौरन स्ट्रेट नहीं चल पाता होगा। नंबर तीन पर है क्रेजेनिटी पेंडुलम राइड। गाइज, आपने पेंडुलम तो ज़रूर देखा होगा, तो इसीलिए पेंडुलम का एक्सपीरियंस देने के लिए ये राइड बनी है, जो कि 360 डिग्री तक चली जाती है और ये 75 मील प्रति घंटे से भी ज़्यादा की रफ्तार तक जाती है। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये है 170 फीट।
ये 12 जुलाई को सबसे पहले खुली थी और दुनिया की सबसे ऊंची पेंडुलम राइड्स में से एक है। यहाँ पर एक समय पर 40 लोग सवार हो सकते हैं। क्रेजेनिटी पेंडुलम राइड आपको पूरा 360 डिग्री का एकदम गोल लूप भी दे सकती है, और बाकी झूलों की तरह ये भी बहुत हार्ड है और इसे बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी और सुपरविजन के अंदर चलाया जाता है, इसलिए इसके गिरने और टूटने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। अगर आप 170 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई तक पेंडुलम की तरह लटकना चाहते हैं तो आप इस झूले के ऊपर जा सकते हैं। नंबर 2, अब जो चीज़ आप देखने वाले हैं ये दुनिया के सबसे खतरनाक स्पोर्ट्स में है, क्योंकि दो पहाड़ों के बीच आपको एक पिंजरे के बीच में से क्रॉल करके जाना पड़ता है, और ये स्विट्जरलैंड का एक झूला है। और इसकी खास बात तो ये है कि ये ज़मीन से 8000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई तक बना हुआ है। बच्चे हों या बड़े, जिसको भी एडवेंचर पसंद है वो इस पिंजरे के बीच में से क्रॉल करके एडवेंचर कर सकता है। ये स्विट्जरलैंड का एक कमाल का थ्रिल वॉक है जो कि ज़मीन से 8000 फीट की ऊंचाई तक बना हुआ है, जहाँ पर हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए सिर्फ क्रॉल करके जाना पड़ता है। ये 8000 फीट ऊंचा पिंजरा स्विट्जरलैंड के एक लोटरब्रुनेन नाम एक जगह पर बना हुआ है। बाकी जगहों की तरह यह भी बहुत ज़्यादा सेफ है और इसे बहुत ही ज़्यादा सुपरविजन के अंदर चलाया जाता है। नंबर 1, एक आम झूला जिसको कि हम में से सब ने बचपन में लिया हुआ है, किसी ने पार्क में तो किसी ने पेड़ की डाल के ऊपर। लेकिन इसी झूले को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने के लिए स्पेशली ये झूला बना है, और ये दुनिया के सबसे भयानक झूलों में से एक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे भयानक झूला ही माना जाता है, और इसका नाम है स्काई स्क्रीमर। ये स्काई स्क्रीमर झूला नॉर्थ अमेरिका के सिक्स फ्लैग ग्रेट एडवेंचर थीम पार्क के अंदर बना हुआ है, और ये ज़मीन से 400 फीट यानी 121 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोल गोल घूमता है। सबसे पहले आपको एक आम झूले पर टाइटली और सेफ्टली बांध दिया जाता है, और फिर ये झूला ज़मीन से धीरे धीरे कुछ इस तरीके से आसमान में उठता है और गोल गोल घूमता है, और फिर ये काफ़ी ऊंचाई तक जाने के बाद आपको गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है, जिससे कि आपको पूरे शहर का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।